और देखो बच्चों प्रेमियों, वहाँ पर अब अपना अस्पताल बन गया, बहुत बड़ा 3-4 मंजिल का है, आप बहुत से लोग देखे हो। तो हम चाहते हैं कि गरीबों की सेवा हो। अंग्रेजी मशीनें और अंग्रेजी चीज़ें वो तो जो हैं समय पर लगेंगी उसमें, लेकिन जो पुराने इलाज हैं उससे असाध्य रोग भी ठीक हो जाता है। जैसे लोग जब पैदल चलते थे तो इसमें पॉइंट होते हैं, इसमें जब पॉइंट होते हैं तो ये पॉइंट दब जाते हैं मिट्टी में और आपके रोड़ा कंकड़ में ये दब जाते हैं, तो ये को प्रेशर हो जाता है। अब जब जूता चप्पल पहन करके ही बिस्तर से उतरते हैं लोग तो ये को प्रेशर कराना पड़ता है पैसा दे करके, ऐसे पॉइंट को, तब मर्ज ठीक होता है। तो पहले जैसा तो रहा नहीं, हाथ से लोग मेहनत करते थे, नहीं मेहनत करते थे बुढ़े हो जाते थे तो मंदिरों में जाते थे ऐसे ताली बजाते थे, ऐसे तो ये पॉइंट सब दब जाते थे, तो बीमारियां दूर होती थी। तो एको प्रेशर, एको पंचर, कलर थेरेपी और तमाम थेरेपियाँ ये सब जो हैं वो सब चालू करा दिया। उसमें कोई पैसा नहीं, कोई खर्चा नहीं, घर में एक आदमी सीख जाए तो पूरे परिवार को दबा करके ऐसे कर दे, तो उसके ट्रेनिंग भी दिलवाता हूँ। जो आप लोग सीखने के इच्छुक हो कुछ लोग नाम यहाँ लिखा देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हो जाओगे हजारों संख्या में तो 10 डॉक्टर कैसे सिखा पाएंगे, 5 डॉक्टर कैसे सिखा पाएंगे, थोड़े थोड़े लोग आप नाम लिखा दो और वहाँ पर आ जाओ सीख लो और जाओ गरीबों की सेवा करो। जहाँ कोई दवा नहीं पहुँच पाती है वहाँ चले जाओ, वहाँ के लोग जो एकदम जंगल में रहते हो उनकी सेवा करो, वो असली सेवा मानी जाएगी। यहाँ तो बहुत अस्पताल खुल गए शहरों में, बहुत एम्बुलेंसें चलने लग गई, लेकिन कोई डॉक्टर MBBS MD वहाँ उनके पास जाता है? कुछ नहीं। बेचारों को जिनको तकलीफ है उनकी तकलीफ नहीं दूर हो पाती है। तो यह सिस्टम हमने सोचा है गुरु महाराज की दया से, और वो आपके सहयोग से हो जाएगा। आप वहाँ पर सीख लो, आ जाओ, 5 दिन का चलेगा। ड्राइवर भी, ड्राइवर की दिक्कत अक्सर बनी रहती है, अच्छे ड्राइवर लोगों को मिलते नहीं हैं। आप जो सत्संगी हो सीखना चाहो, सारी व्यवस्था जगह जगह बना दी जाएगी। आगे चल के आप लोग जब चाहोगे सब जगह व्यवस्था बन जाएगी। इस तरह से लोगों को निरोगी रखो। अब रोग हो ही गया तो क्या करोगे, किसी से पाप बन ही गया तो नर्क उसको जाने दोगे? अरे पाप कैसे कटेगा ये बताना और कराना जरूरी है ना, पाप से मुक्ति दिलाना जरूरी है, नर्क जाना से बचाना जरूरी है। तो खाने पीने की बद परहेजी से रोग हो ही गया तो दूर करना जरूरी है, वजन करने के लिए। शरीर ही नहीं स्वस्थ रहेगा तो कैसे वजन कर पाओगे, कह दिया जाए उठ बैठ नहीं पाओगे। विष्णु भगवान पंखा झलेंगे तो विष्णु भगवान भी अच्छे नहीं लगेंगे, कहोगे कह दो स्वस्थ कर दें, चलने फिरने लायक हो जाएं तब ही अच्छे लगें। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखना जरूरी है। तो बहुत सारी बातें हैं, योजनाएं हैं, आप थोड़ा समय निकालोगे, प्रेम इसी तरह बनाए रहोगे, दिल में प्रेम मोहब्बत की जगह बनाओगे तो आपको फायदा ही फायदा है, नुकसान कुछ नहीं है। कहना साधते हुए न कार जानी, या साधक हैं इनका साथ करो, आप इनसे मिलो जुलो। ये जो लोग बैठे ये किराए के आदमी नहीं हैं, ये अपना खर्च करके आते हैं। अगर नाव से उतरते हैं तो मल्ला ही देते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं तो बनवा ही देते हैं, ये कोई भी बगैर टिकट नहीं चलते हैं। गुरु महाराज ने इस तरह की शिक्षा दिया, मैं भी दे रहा हूँ, उनकी बातों को मैं बोलता हूँ तो गुरु महाराज की दया होती है, बातों को पकड़ लेते हैं, मानते हैं। ये भक्त कहने वाले आदमी हैं, एकजुट में हैं, एकजुट में है। अरे चाहते हो कि व्यवस्था सही हो जाए? अरे चाहते हो इस देश में सतयुग का प्रादुर्भाव हो जाए? ये अरे चाहते हो कि हिंसा हत्या बंद हो जाए, सुख शांति हो जाए? ये देखिए, ये इस नाम पर सब एकजुट हैं, ये सब एकजुट हैं।